आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। खोराबार थाना क्षेत्र के बाप बेटी माँ की हत्या करने वाले गिरफ्तार सरफिरे आसिक ने आला कत्ल बरामद करवाते समय पुलिस का हथियार छीन कर पुलिस बल पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार सरफिरे आसिक आलोक पासवान के पैर में लगी गोली। घायल अभियुक्त का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में अंडा व्यापारी ने तीन लोगों को मारी गोली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। दो अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा बाकी अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं तीन टीमें, जल्द होगी बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पुरदिलपुर वार्ड में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, जनता से किया सीधा संवाद। कहा आदर्श वार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा पुरदिलपुर वार्ड, प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने का दिया गया है आश्वासन। फल मंडी से लेकर अमरूद मंडी तक जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर करवाया खाली। एसपी ट्रैफिक ने कहा दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। दस दिनों के अंदर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जीडीए बोर्ड की बैठक होगी। संपन्न महायोजना के पास करने के लिए बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। बड़ी संपत्तियों के मामलों के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को खाली करवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बैंक के अधिकारियों के साथ की बैठक। स्ट्रीट वेंडरों को समय से लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंक अधिकारियों को दिए निर्देश। प्राथमिक विद्यालय में चल रहे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के परीक्षा केंद्र पुरदिलपुर सहित अन्य विद्यालयों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जाना बच्चों के पढ़ाई का लेवल। कहा हर 3 महीने में बच्चों का एग्जाम करवाकर छात्रों को बनाया जाएगा दक्ष। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर जीडीए ने विकास के किए अनेकों कार्य। 10 सालों से लंबित खोराबार परियोजना को लॉन्च करने की बोर्ड में की जा चुकी है तैयारी। अनेकों परियोजनाओं को मिली है रफ्तार। भाजपा जिला व महानगर प्रशिक्षण वर्ग शिविर के 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। कहा प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर कैसे मुस्कान आए, यही है हमारी सोच। और रामगढ़ताल के बगल में स्थित वाटर बॉडी का जीडीए लगभग 9 करोड़ की लागत से करेगा सुंदरीकरण। प्रोजेक्ट बनकर हुआ तैयार, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी।